नकीम खान नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। शाहदरा से। लगभग शाहदरा से। अच्छा जी जी। और ये जो मेरे भाई हैं सारे यहीं रहते हैं प्रॉपर, और ये T3 फ्लाइट से आए अभी, मतलब इनके फादर दुबई गए, उन्हें छोड़ते हुए फटाफट उमरे पर गए और भाई फटाफट छोड़ते हुए और सीधा नहारी के पास आए। और माशाल्लाह ये माही फरमान साहब अली शान के नाम से हज उमरा का इनका खुद दरियागंज गोलचे के पीछे। नहारी कैसी है? माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्टाफ का मामला था, थोड़ा आसानी से तो नहीं मिली, लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा आसानी से मिले। आप आते रहते हैं फर्स्ट टाइम में? जी नहीं, आते रहते हैं जी, हम लोग आते रहते हैं माशाल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत आला, बहुत आला माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर अली नाम है मेरा और मैं रहने वाला डासने का हूँ, गाजियाबाद। नए नारे के लिए आते हैं अधिकतर, हमारा याराना भी है, दोस्ती भी है। अच्छा। और हम पिछले 20 साल से रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा जी जी। तो पूछने की जरूरत तो है नहीं? नहीं नहीं नहीं। कैसी है यहाँ की नारी फिर भी बता दिए कुछ? नहीं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और काफ़ी मुख्तलिफ तरीके के इसमें मसाले इस्तेमाल करते हैं जिससे जायके में बहुत शवाब आ जाता है और लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर से आते हैं जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया आप। मशहूर कल्लू नहारी पे हम खड़े हुए हैं भैया, ऐसी भीड़ नहीं देखी, ऐसा जद्दोजहद का खाना कभी नहीं खाया, क्या क्या राज है भैया इसका? जल्दी से खाते हैं और चेक करते हैं कि मैं ये फर्स्ट टाइम है हमारा। इतनी ज़बरदस्त भीड़ और कितनी जद्दोजहद से लोग नहारी ले रहे हैं, अमेजिंग सी बात है यार, ऐसी ऐसा अनोखा मंजर ही नहीं देखा हमने। जल्दी से नहारी ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको कैसी है। ये है भाई रोटी, मुनासिब सी छोटी सी रोटी है पैरी सी, और ये है भाई नहारी वो जिसके लिए बाहर जंग चल रही है। पहली बाइट कल्लू नहारी की, मेहनत वाली, इसे कहते हैं वाकई में मेहनत वाली रोटी, मेहनत का खाना। यूं ही कोई मशहूर नहीं होता, कोई बात तो होती है भैया। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन नहारी, मज़ेदार नहारी, दिल्ली की ऑथेंटिक नहारी अगर आपको खानी है यहाँ आके धक्के खाने पड़ेंगे वरना भैया नहीं मिलनी, ऐसा जायका नहीं मिलेगा। गोश्त देखो आप, क्या ज़बरदस्त गोश्त है। हाथ भी मेरे चले जा रहे हैं, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। भैया ये बोटी देखें आप, क्या बेहतरीन बोटी है ये, ज़बरदस्त गोश्त, शानदार थिक नहारी, गाढ़ी नहारी है, ऐसी ही नहारी अच्छी होती है भाई, गाढ़ी सी, और इसमें नली भी पड़ी हुई है, ये ऑब्वियसली नली नहारी है। मज़ेदार नहारी है, मज़ेदार मसाले हैं, मुनासिब मसाले हैं, बहुत ही मज़ेदार, और क्योंकि बड़ी मेहनत से मिली है तो इसीलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है। खास बात यह है, खास बात यह है बहुत जल्दी निपट जाएगी, एक डेढ़ घंटे में साफ हो जाती है, देख के लगने से पहले लोग टूटे पड़े थे, देख खुलने के एक डेढ़ घंटे बाद साफ मैदान, साफ सिर्फ रोटी मिलती है। तो भैया बड़ा मज़ेदार सा कोई सीन है, बहुत बढ़िया ऑथेंटिक नहारी, दिल्ली की ऑथेंटिक नहारी अगर आपको खानी है तो भाई गूगल पे डालो कल्लू नहारी और डायरेक्शन इधर का घुमाओ। लाजवाब नहारी, लाजवाब समझते हो आप, जिस चीज़ का कोई जवाब ही ना हो, ऐसी है
कल्लू भाई की नहारी, भूख भी बहुत लग रही थी, धक्के भी बहुत खाएँ, बेहतरीन रिजल्ट। एक निवाला इसकी मींग के साथ भी ट्राई करते हैं, आ जाओ जी। यह है इसकी मींग जो नहारी में डली हुई है, ऑथेंटिक जायका भैया, दिल्ली का ऑथेंटिक जायका नहारी का। तो भाई जल्दी से हम इस नहारी को जी लें, बहुत ही मज़े की नहारी है, ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकता, पहले नहारी खा लूँ उसके बाद फिर आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या जायका है। तो कल्लू नहारी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर खा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा माहौल है, अजीब ही माहौल है, अनोखा माहौल है, फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन नहारी बहुत शानदार थी, मज़ा ही आ गया। मतलब तुम्हें कैसी लगी नहारी? आई थिंक इट्स प्रोबेबली द बेस्ट नहारी इन इंडिया। इंडिया? हाँ, अभी इंडिया पूरा घूमे कहाँ है? मैं, मुझे तो लगता है ना यार, क्योंकि मुझे लगता है इससे अच्छे कुछ बना पाएगा कोई। अच्छा जी, लेकिन हाँ यार इट्स नाइस, बहुत ज़बरदस्त नहारी थी वाकई में, आप देख सकते हो जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पर भाई लोग नहारी, वो दूर तक पूरा नहारी लिए लोग खा रहे हैं, जैसे दावतों में होता है ना, जगह नहीं मिलती, लोग अपनी अपनी प्लेट लेके शुरू हो जाते हैं कहीं, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो यही था आज का हमारा व्लॉग कल्लू नहारी से, ऐसा अमेजिंग माहौल मैंने नहीं देखा, जितनी मुश्किलों से और जितनी जद्दोजहद से आज का वीडियो बनाया है ऐसा कभी नहीं बनाया, नहारी बहुत शानदार थी। क्या वजह है इतनी भीड़ होने की, खा के ही आपको पता चल सकता है, बहुत मज़ेदार नहारी थी। ओनर से बात हो ही नहीं सकती क्योंकि ओनर इतने बिजी हैं कि बस वो चेहरे देख रहे हैं और प्लेटें दे रहे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बहुत शानदार नहारी है, और नहारी क्योंकि दिल्ली की इजाद है, जिसकी डिस्कवरी, जिसका इन्वेंशन सब दिल्ली में हुआ है, तो यहाँ की नंबर वन होनी है। और दिल्ली में भी कुछ ख़ास नहारियाँ हैं, जिनमें से एक ये कल्लू नहारी है। बहुत मज़ा ही आ गया आज का ब्लॉग बना के, तो भैया बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत ज़्यादा इसको पसंद करिए, शेयर करिए, तभी मेहनत वसूल होगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।